अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। काबिले सद एहतराम सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज मैं बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसला का उन्वान है, नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे व बच्चियों से रोज़ा रखवाना और रोज़ा कुशाई यानी इफ्तार के वक्त रोज़ा खोलने की शक्ल में इफ्तार पार्टी और दावत का एहतमाम करना कैसा है। दरअसल आजकल माह रमज़ान में जगह ब जगह एक नई चीज़ देखने में आ रही है कि लोग एहतमाम के साथ अपने मासूम बच्चों का रोज़ा रखवाते हैं, फिर रोज़ा कुशाई यानी इफ्तार की शक्ल में दावत का एहतमाम करते हैं, अज़्ज़ो अकारिब को जमा किया जाता है, लोग बच्चे के लिए कपड़े मिठाई खिलौने वगैरह और दीगर सामान लेकर आते हैं और दावत में शरीक होते हैं, गली कूचे को सजा दिया जाता है और बहुत सारे मुनकरात व मनहियात वजूद में आते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा करना और ऐसी दावत में शामिल होना कैसा है। दोस्तों बड़ा अहम मसला है, आप जवाब गौर से सुनिए और दूसरों को भी खूब शेयर कीजिए ताकि लोग दीनी हकायक से अच्छी तरह वाकिफ हो सके। सामईन, यहां दो बातें हैं। नंबर एक, बच्चों पर नमाज और रोजे किस उम्र में फर्ज होते हैं। नंबर दो, छोटे बच्चों के रोजे रखने पर जोर देना और रोज़ा कुशाई की शक्ल में दावत पर एहतमाम करना और लोगों को जमा करना। पहली बात की वजाहत यह है कि लड़के और लड़की पर बालिग होने के बाद नमाज और रोजे रखना फर्ज है। याद रखिए, लड़की और लड़के के बालिग होने पर रोजे और नमाज अदा करना फर्ज हो जाता है। नाबालिग बच्चे और बच्चियों पर ना तो नमाज फर्ज है और ना रोजा रखना। अलबत्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन को इस बात की ताकीद की है कि जब बच्चा या बच्ची 7 साल के हो जाए तो उनको नमाज का हुक्म दिया जाए और 10 साल के होने पर नमाज न पढ़ने पर डांट डपट और सख्ती करने का हुक्म दिया है। इसी तरह बालिग होने से पहले भी अगर बच्चे में रोजा रखने की ताकत हो और रोजा से उसको कोई जरर और नुकसान लायक न होता हो तो उसको रोजा रखने का हुक्म दिया जाए और 10 साल उम्र होने पर तहम्मुल बर्दाश्त के मुआफिक रोजा रखने की ताकीद करनी चाहिए ताकि उसकी आदत बन जाए और अभी से रोजा रखने का मिजाज बन जाए और बालिग होने के बाद उसके लिए रोजा रखने में दुश्वारी ना हो। और अगर नाबालिग बच्चा रोजा रखकर रोजा तोड़ दे तो उसकी कजा रखवाना लाजिम नहीं है क्योंकि नाबालिग बच्चे पर रोजा फर्ज नहीं है और जब वो रोजा फर्ज नहीं है उसको तोड़ देता है रख करके तो उसके जिम्मा कोई कजा भी लाजिम नहीं होगी। दूसरी बात, छोटे बच्चे और बच्चियों के रोजा रखने पर रोजा कुशाई की शक्ल में दावत का इनेकाद करना कैसा है। यह एक याद रखिए, यह एक रस्म है, इसमें शरई एतबार से मुख्तलिफ मुनकरात और मफासिद पाए जाते हैं, इसलिए यह रस्म काबिले तर्क है। न ऐसी रसूमात के इनकाद करना चाहिए और न ही इनमें शिरकत करनी चाहिए। कुछ वालिदैन सिर्फ नामवरी और शोहरत के लिए बच्चों पर दबाव डालकर जोर डालकर रोजा रखवाते हैं और रोजा कुशाई की शक्ल अदा करते हुए बहुत सारी मुनकरात और बेहूदा हरकतों को अंजाम देते हैं जो शरान दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता जब नाबालिग बच्चे या बच्चियां समझदार हो जाए और रोजा रखने के काबिल हो जाए तो उन्हें रोजा रखने की आदत के लिए कभी कभी रोजा रखने की तरगीब दी जाए ताकि अभी से रोजा रखने का एक मिजाज बनता चला जाए और हसबे तहम्मुल वो रोजा रखें ताकि बालिग होने तक वह रोजों से मानूस हो जाए और बालिग होने के बाद अच्छी तरह रोजों पर वह अमल कर सके। लेकिन ये जो पेपर में नाम शाया करने के लिए, फोटो शाया करने के लिए खामखा छोटे बच्चों को जोर डालकर
आधे दिन रोजा रखवा करके या ये कि शाम तक कोई तरीका से उसको हालत गैर होने और खराब होने के बावजूद उसको रोक करके रोजा रखवाना और दावत का एहतमाम करना और शाम में बहुत सारे लोगों को जमा करके बेहूदा हरकतें वजूद में लाना, ये कहीं से कहीं मुनासिब नहीं है। ऐसी चीजों से लोगों को परहेज करना चाहिए और माँ बाप अपने बच्चे को रोजा रखने के काबिल पाए तो रोजा रखने की तरगीब दे, ये अच्छी चीज है। लेकिन नामवरी और शोहरत के लिए खामखा इस तरह रोजा कुशाई की शक्ल में दावत का एहतमाम करना और बच्चे को जोर डालना और मुनकरात को वजूद में लाना, तो ये कहीं से कहीं दुरुस्त नहीं है। ऐसी शक्ल में हम लोगों को इससे बचते रहना चाहिए और वालिदैन को भी चाहिए कि ऐसी चीजों से गुरेज करें, परहेज करें। उम्मीद करता हूं ये बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह ताला बेहतरीन समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।